दिया ये, तो बस सपोर्ट करो इतना दूर से। देखो यार, एक बोलते हैं ना गर्ल्स, तो देखो यार गर्ल्स पावर होता है, बस हिम्मत आज चाहिए, तक कोई नहीं आया ना कोई लड़के नहीं मिलने। आया। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है ना, लड़की लोग सोचती है कि बाहर कैसे जाएंगे। देखो खुद में एक स्टैंड लेना पड़ता है, जब तक अगर नहीं लोगी तो बाहर। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जमशेदपुर का ब्लॉग। एंड गाइस, आप लोगों को तो पता है मैं जमशेदपुर आने वाली थी, तो गाइस मैं फाइनली जमशेदपुर आके पहुँच गई हूँ। एंड गाइस, ये बैकग्राउंड देखिए, अगर आप इस बैकग्राउंड को पहचानते हैं तो कमेंट करके बताइए। सो गाइस, फाइनली मैं आके पहुँच गई हूँ गरीब बॉय के घर, जो कि है हमारे जमशेदपुर का फेमस यूट्यूबर। एंड चलिए चलते हैं अंदर एंड उनसे मिलते हैं। तो गैस, मैं उनके घर के जो गली है उसके अंदर आ चुकी हूँ, चलिए चलते हैं अंदर। एंड वो पता नहीं घर पे होंगे कि नहीं, अभी बज रहा है 3। मैं एक्चुअली सुबह से निकली हुई थी घर से और दोपहर में आके पहुँची हूँ, और ये सब बैकग्राउंड आप लोग पता नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं। तो मैं उनसे टोटली बात नहीं की थी, और ये देख लीजिए, ये उनका घर का बैकग्राउंड अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अंदर वो है कि नहीं। तो गैस देखिए, फाइनली मैं उनके घर के सामने आके खड़ी हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर। नमस्ते नमस्ते आंटी, नमस्ते। पूछ रहा हूँ हाँ, कहाँ से आया है? मैं आई हूँ आंटी उड़ीसा से। आई हूँ सावन नहीं है क्या? सावन नहीं है, वीडियो बनाने की है। अच्छा, तो गाइज ये देखिए आंटी, हाय कर दीजिए आंटी। तीनों बाप बेटा वीडियो बनाने की। अच्छा, तो आंटी ये बता रहे हैं कि अंकल भी गए हैं और सब लोग वीडियो बनाने के लिए गए हैं। तो मैं अभी जस्ट आके पहुंची हूँ, मैं आंटी से मिलती हूँ, थोड़ा बात करती हूँ, उसके बाद जब सावन भाई आ जाएंगे तब उनसे मिल जाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज स्टे ट्यून। सो गाइज फाइनली अभी बज रहा है 7:30 एंड थोड़ी देर पहले ही सावन भाई मेरा आया, क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे वीडियो के काम से। और यार रहता है ना, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और मैं तो उनको बिना बताया आई थी, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा। बट कोई नहीं, फाइनली वो लोग आके पहुंच गए हैं। तो चलिए, द वेट इज़ ओवर नाउ एंड मैं अभी दिखाती हूँ सावन को, मिलाती हूँ, और आप लोगों का फेवरेट हेलो गाइस उनसे तो डेफिनेटली मिलाऊंगी, और बातें करेंगे। मैं आई हूँ, पूछेंगे कैसा लगा क्या लगा। तो चलिए दिखाती हूँ। हेलो, कैसे दीदी? सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए छोटे भाई को कि खूब जरूर तरक्की जरूर। करूँ अपनी लाइफ में, बस यही बोलूँगा। और देखो यार, रिश्ता कब बन जाता है कोई नहीं जानता। उड़ीसा से दीदी आई है, तो बस सपोर्ट करो इतना दूर से। देखो यार, एक बोलते हैं ना गर्ल्स, तो देखो यार गर्ल्स पावर होता है, बस हिम्मत आज तक चाहिए, कोई नहीं आया ना कोई लड़के नहीं मिलने। आया। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है ना, लड़की लोग सोचती है कि बाहर कैसे जाएंगे। देखो खुद में एक स्टैंड लेना पड़ता है, जब तक अगर नहीं लोगी तो बाहरी दुनिया नहीं देख पाओगे आप लोग, तो हिम्मत जुटा के करना पड़ता है यार, हिम्मत और जुटा। गाइस जल्दी मेरा छोटा भाई का 1 मिलियन कराइए, 1 मिलियन क्योंकि जल्दी मेरे को जल्दी कराओ, जल्दी आना है उसके लिए। केक लेके कट करेंगे, जरूर जरूर एंजॉय करेंगे। तो गाइस जल्दी, मतलब आप लोग मेरा, मुझे 1 मिलियन पता है कराओ, आप लोग मेरा रिक्वेस्ट मानोगे, तो जल्दी ही फटाफट 2 मंथ्स में करवाइए, जैसे मेरे को, जरूर मैं जरूर। दोबारा आऊंगी मिलने। बस और कैसा लगा मेरे से मिलके? आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा, हर एक लोग आते हैं, हर एक लोग से रिश्ता बनता जाता है। तो यही बोलूँगा, किसी को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो, सब बराबर है यार। इंसान हर बार देखो यार, एक लेवल पे चल जाने से क्या होता है ना कि बोलते हैं ईगो आ जाता है, तो ईगो में कुछ नहीं रखा है नहीं, यार, मेरे भाई सफ़ेद पे तो चादर ईगो ही नहीं है है। अपने पास, सफ़ेद चादर ही है हैसियत। एंड ऑफ मोमेंट मतलब बोलते हैं ना कि कुछ नहीं बचता यार, यही बोलूँगा, अकेले आए हो अकेले अकेले जाओगे। जाओगे। और याद है मैं तुमको मैसेज की थी कि मेरे को राखी बांधना है, बहुत पहले हाँ, कमेंट की थी, तो तुमने कमेंट रिप्लाई किए भी थे। किया था। तो गाइज मैं बहुत पहले राखी खरीद के रखी थी कि दोनों को, और आप लोगों को तो गाइज पता है कि मैं हूँ सिंगल चाइल्ड, तो मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं जब से इसको देखती हूँ ना, इसके लिए एक भाई वाला फीलिंग आता है। ऐसा नहीं जी कि ये मेरे लिए एक यूट्यूबर है, एक नहीं, टिकटॉकर है, ऐसा फीलिंग नहीं है। मतलब मैं आज यहाँ आई हूँ मेरे भाई से मिलने आई हूँ। मेरा ऐसा मोटो जरूर नहीं है कि मैं कोई यूट्यूबर से मिलकर फेमस होना है, कुछ होना, ऐसा नहीं। बस आप लोग अपना दुआ और सपोर्ट करते रहो, बस बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई का 1 मिलियन जल्दी से करा जल्दी दो। जल्दी हो जाएगा, और बाकी मैं भाई से अपना राखी भी बांधूंगी। और ये देखिए मेरे पापा, ये भी मेरे पापा ही हैं, पापा जैसे नहीं, पापा ही हैं मेरे। हेलो गाइज, तो गाइज यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, करें मतलब कि बेटी है मेरा, है ये मेरा बेटी, आज से हो गई है। और क्या बोलेंगे इसको, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी एक चैनल खोली है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग कहने मतलब इसको सपोर्ट थोड़ा कीजिए, ताकि ये लड़की भी आगे निकले, यानी कि मेरी बेटी आगे निकले। और क्या हाँ, तो पापा मेरे बोलेंगे घर कब आएंगे? मैं तो आज आ गई, ठीक है, आप कब आ रहे हैं मेरे घर, बस इतना देखो, बताइए। देखिए ऑडियंस देख रहा है, आप अगर नहीं आओगे तो फिर सब लोग आपको नहीं, बोलेंगे। तुम्हारा देखो बेटी, तेरा कहना सही है, राइट है, मानते इस बात को, मगर बात रहेगी, देखो मेरा भी कुछ मजबूरी हाँ समझ रहे हैं, है ना। आपको भी टाइम होना चाहिए, ड्यूटी से हाँ छुट्टी मिलना चाहिए। हाँ
इसलिए मेरा मजबूरी है, इसलिए हम अभी डिटेल नहीं ओपन कर सकते कि हम कब आएंगे। हाँ, लेकिन आइएगा जरूर। मैं आपको इनविटेशन दे दी हूँ कि जब मेरा क्लिनिक का इनॉग्रेशन होगा तब आपको सबको आना है। और मम्मी आपका क्या है, आप भी आएंगे कि नहीं? हाय बोल दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद सब लड़का लड़की को, काम करिए, आगे बढ़िए। अच्छा, और मम्मी आपका तबियत खराब था ना आज, तो दवाई उवाई भी लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, ज्यादा दवाई लीजिएगा। और कोई अगर मतलब तबियत ठीक नहीं लगे तो मुझे पूछिएगा, ठीक है ना? ठीक है। एंड ये गाइस देखिए, ये मेरा छोटा भाई पवन, तो हाय बोल दे यार। हाय। और पवन आज मेरे साथ घर जा रहा है, ठीक है? जाएगा ना मेरे घर? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? पापा के साथ जाएंगे जब आपका दुकान खुलवाएंगे। तो नहीं तो चल मेरे साथ रहना, पढ़ाई करना। नहीं, सावन तो बोल रहा है ले जाओ, पापा भी बोल रहा है। नहीं जाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना? पढ़ाई करना ही है। और तुम अच्छा, बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। हाँ, तो पापा को बोल के जाएंगे कि पापा सुनिए, इसको ना ड्राइंग क्लास में एडमिशन करवाइए, ठीक है? नहीं नहीं, बात तो सही, तुम सही बोल रही है, फैक्ट बात, अच्छा बात बोल रही है। तो देखते हैं कि क्या मतलब है कि अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो इसको फिर कहने मतलब है कि इसको सोचेंगे, डाल देंगे इसको। हाँ, तुम भी जाना ड्राइंग क्लास, ठीक है ना? अच्छा अच्छा मस्त ड्राइंग करना और डालो। हाँ। ड्राइंग का वीडियो डालो, फोटो डालो और पढ़ाई भी करो साथ ही साथ में। हाँ। कौन सा क्लास हुआ तेरा अभी? फाइव क्लास हुआ ना। हाँ, तो धीरे धीरे डालेगा और क्या। तो पापा और एक बात बोलना था एक्चुअली। देखिए, मैं तो अभी मेरा अर्निंग नहीं होता है, ठीक है? अभी तो यूट्यूब में स्टार्ट की हूँ, बाकी मैं इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन वगैरह करती हूँ। तो आप लोग मेरे मम्मी पापा हो, तो मैं सोची कि मेरा जो खुद का कमाई है, इतना ज़्यादा तो नहीं कमाती हूँ, लेकिन मैं जितना भी कमाई हूँ ना, आप चारों के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ, तो वो मैं देना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि आप लोग उसको खुशी से तो बताई थी कि ये लोग तो मेरे भाई है, ठीक है ना? मैं सब्सक्राइबर नहीं, कि आप लोग मेरे अंकल आंटी नहीं हो, मम्मी पापा। तो मैं आज दोनों को राखी बांधना चाहती हूँ और एक रिश्ता बना के जाना चाहती हूँ कि बस अभी लाइफ टाइम, मतलब हर राखी में मैं आऊंगी, नहीं तो ये लोग जाएंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी बात जो तुम जो आज जो बोली ना, बहुत अच्छा लगा। देखिए, तुम जो बात बोली हो दिल में एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपनापन पैदा हुआ, नहीं तुमको देखने के साथ जिस तरह से तुम बात व्यवहार की ना, बहुत अच्छा लगा। और हम भी चाहेंगे कि जो रिश्ता जो बना रही है ये हमेशा कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, ठीक है? और रही राखी का, तो राखी को तो कहने मतलब कि या तुम आएगी नहीं तो फिर तेरा भाई लोग जाएगा। जाना पड़ेगा, भाई को जाना पड़ेगा। तो सावन से पूछते क्या भाई जाएगा कि नहीं, कि मैं आऊंगी, बता क्या करना है? अभी तो उतना पता नहीं है, बट आप ही आने की कोशिश करिए अगर मेरे पास। हाँ, तेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता भाई। हाँ। मेरा बड़ा यूट्यूबर है। नहीं, यूट्यूबर नहीं है, बस एक आम आदमी हूँ। बस लोगों का प्यार मिल गया, और क्या मिलेगा। तो, और भी आगे प्यार मिलेगा। आऊंगा, आने का कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं आ जाऊंगी, टेंशन मत लेना। आप आ जाना। और मेरे ऑडियंस को बोल दो यार, मुझे थोड़ा सब्सक्राइब कर, ये बोलो कि दीदी को जितना हो सके सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बोलना ना पड़े, शेयर करो। हाँ। आंख मूंद के शेयर करो। हाँ। लाइक करो यार। तो गाइस चलिए, मैं अभी इनको राखी बांध लेती हूँ, क्योंकि मैं जब से रक्षाबंधन था मैं तब से ही राखी खरीद के लाई थी। तो राखी बांध लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं।